इस पराठे के लिए ना तो आपको आटा गूंदने की जरूरत है और ना ही बेलने की। इसमें ना तो हमने गेहूं का इस्तेमाल किया है और ना ही मैदे का। झटपट और आसानी से बनने वाला नाश्ता है। देखने में जितना कलरफुल है ना, उसे कई ज्यादा खाने में ये टेस्टी और हेल्दी है। सुबह के भागम दौड़ के लिए एकदम परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, जिसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। सिर्फ एक पराठा भी खाओगे ना तो भी ये आपको दिन भर एनर्जी देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों को कट करके लिया है। जैसे कि 1 कप मैंने यहाँ पे मेथी लिया है। मेथी को मैंने अच्छे से वॉश करके फिर इस तरह से इसे रफली कट करके लिया है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया था, जिसे मैंने बारीक चॉप करके लिया है। एक गाजर थी, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। 1/4 कप के करीब फ्रेश धनिया लिया है और 1 मूली को भी मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके लिया है। सब्जियों की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं, और सब्जी भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने सब्जी डाली वही आपको डालनी है, बट मैंने इसे हेल्दी वे में बनाने के हिसाब से ये सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है जो मेरे पास अवेलेबल है। तो ये जो सारी सब्जियां कट करके हमने ली है, इन्हें हम बाउल में ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो बिना प्याज के भी इस रेसिपी को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने बाउल में ले लिया है। अब इसमें हम हमारा मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो नॉर्मल जो भी आपके घर में चावल है ना, उसे आप ले, 1 कप चावल ले और उसे थोड़ी देर के लिए पानी में सो करके रखें। एक कम से कम आधा घंटा आप उसे रखें। उसके बाद चावल को आप अच्छे से पीस ले तो उसका जो पेस्ट बनेगा वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई रेड चिली फ्लेक्स ली है। साथ ही में 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है। स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो बिना लहसुन के भी आप इसे बना सकते हैं, टेस्ट में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारे मसाले मैंने आटे के साथ सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर लिए हैं। अब ये पूरा ड्राई मिक्सचर है तो हमें ना इसका एक बैटर रेडी करना है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, तो ये आधा डाल रही हूँ मैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने रेड चिली फ्लेक्स और जो लाल मिर्च है दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके बजाय आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप चावल के आटे के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी का इस्तेमाल किया। इससे ज्यादा हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमने सब्जियां डाली वो भी अपना पानी छोड़ता है। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मैं आपको बड़े चम्मच से दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आसानी से ये चम्मच से गिर जाना चाहिए। तो गैस पे मैंने नॉनस्टिक पैन चढ़ाया है। सबसे पहले इसे हम तेल या घी या बटर जो भी आपके पास है उसे हम ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी बैटर डाले ध्यान रहे कि पहले इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ही हमें इसे डालना है, क्योंकि चावल का जो आटा है वो तले में जाके बैठ जाता है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर कर इसमें बैटर डालेंगे। हल्का सा स्प्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला इसे फैलाना नहीं है हमें। अब हमें कुछ नहीं करना है, गैस को जो है हमें एकदम धीमी आंच पर रखना है, यानी लो फ्लेम पर रखना है। इसे ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट इसे पकाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो पराठा है परफेक्टली बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक तो हमने कच्चे चावल का इस्तेमाल किया है, दूसरे जो सारी सब्जियां भी हमने ली थी वो भी सारी कच्ची ली थी, तो सारी चीज़ें अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 5 मिनट हो गए इसे मैंने ढक के पकाया, और अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर की सतह जो है बिल्कुल ड्राई हो गई है, और ये देखिए आराम से ही अपने आप ही पैन को छोड़ने लगा है। तो चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। अब हमें इसे बिना ढके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पहले हमने इसे लो फ्लेम पे यानी धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकाया था, उसके बाद हम बिना ढके इसे 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं। तो इतने टाइम में हमारा जो पराठा है अच्छे से सेक कर रेडी हो जाता है। तो दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन स्पॉट आ गए, परफेक्टली पक कर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। 1 कप चावल के आटे में लगभग 10 से 12 पराठे आराम से बन जाते हैं, और आप चाहो तो इस बैटर को बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपका खाने का मन करे आप बैटर को निकालें और फिर इस तरह से पराठे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।
पलटते समय आपको थोड़ी मुश्किलत आ रही है या ऐसा लगे कि नहीं ये पलटते समय टूट रहा है या अच्छे से बाइंड नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे चाहो तो मैदा या फिर गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पराठे रेडी कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। सारी सब्जियाँ भी अच्छे से कुक हो गई, अच्छे से नज़र आ रही है। एक तो हेल्दी भी है, काफ़ी टेस्टी भी है खाने में और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी। इस बैटर को बनाकर हमें कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तुरंत ही हम इसके पराठे बना सकते हैं और एक कप में 10 से 12 पराठे बन जाते हैं तो पूरे फैमिली के लिए इतने सफिशियंट है पराठे। इससे आपका दिल भी भरेगा और आपका पेट भी भरेगा, तो आप इस पराठे को ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।